आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी हम जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे काफ़ी बच्चों के द्वारा जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेकंड लिस्ट जो है जब आएंगे तो क्या उसमें कटअप जो है कम होंगे या नहीं होंगे, तो सारी प्रक्रिया को समझेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों की प्रॉब्लम जो है दूर हो सके। जैसे कि मैं बता दूं कि फर्स्ट लिस्ट जो है आपका आ चुका है और एडमिशन जो है अभी चल रहे हैं। सेकंड लिस्ट भी जो है निर्धारित डेट हो चुके हैं कि किस दिन आने वाले हैं, सबको पता है। तो जो कटअप है क्या वो कम होगा या नहीं होगा, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो साइंस का कटअप है वो ज़्यादा है, जो आर्ट्स का कटअप है वो कम है। अब ये सवाल जो है कि क्यों कम है, तो यह जो है पुराने समय से चला आ रहा है कि साइंस वाले का कटअप जो है ज़्यादा होता है और आपका आर्ट्स वाले का कटअप जो होता है कम होता है। अब यहाँ पर सवाल काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों, जब इंट्रेंस लिए तो कटअप में अंतर क्यों? तो ऐसा मैं आपको बता दूँ, ये सच बता रहा हूँ, पुराने ज़माने से चला आ रहा है और ये परंपराई जो बोल सकते हैं कि शुरू से ही चला आ रहा है कि साइंस का ज़्यादा कटअप जाता है और आर्ट्स का कम जाता है। अगर इस पर हम बात करेंगे तो फिर हमारे कास्ट के ऊपर चला आता है कि आखिर जनरल का कटअप क्यों ज़्यादा जाता है, एससी एसटी का कटअप क्यों जाता है, सभी तो एक ही लोग हैं, पैसे कम क्यों लगते हैं। तो ये सारी बातें जो है आगे की बातें, इस पर हम नहीं जाएंगे। अभी जो हम मेन मुद्दा के ऊपर बात करने वाले हैं वो जो है कटअप के ऊपर है कि जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सभी कॉलेज का जो है कटअप जो है अलग अलग है। साइंस वाले का कटअप हर जगह ज़्यादा है अदर देन इसका, आर्ट्स वाले का कम है। मतलब कि आर्ट्स वाले से जो है साइंस वाले का कटअप जो है हर कॉलेज में ज़्यादा है और आर्ट्स वाले का कम है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो उनका तो सीट कन्फर्म हो जा रहा है और आप सभी लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपके सीटों की संख्या जो है 9100 है, 9100 सीट जो है आपके गवर्नमेंट है, बाकी आपके जो है 31700 सीट में से जो आपका जो है वो सब प्राइवेट है। तो प्राइवेट में अगर मैं बता चुका हूं कि लेना है तो लेंगे, नहीं तो बहिष्कार कर दे। प्राइवेट में फीस जो है ज़्यादा लिया जा रहा है और सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाने वाली है, ये भी कन्फर्म हो चुका है। तो अब जो कदम उठाना है वो हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों को उठाना है। तो ये बातें क्लियर हो गई। रही बात कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन चल रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, सीट बुक होते जा रहे हैं और ये भी कंफर्म है कि पहले राउंड में सभी गवर्नमेंट कॉलेज का सीट जो है फुल नहीं होने वाला है। कारण मैं बता दूं, काफ़ी बच्चों के पास जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं लेते हैं। काफ़ी बच्चों का जो है फॉर्म भरने में गलती है, कास्ट भरने में गलती है या उर्दू के एक ऑप्शन चुनने में गलती है जिसकी वजह से जो उनका कटअप उर्दू वाले में चला गया है जिसका कैटेगरी ओबीसी है लेकिन ईडब्ल्यूएस में चला गया है। तो ऐसे जो दिक्कत होती है जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन बच्चों को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उनका एडमिशन नहीं लेंगे। तो क्या होगा कि जब पोर्टल पर वो चढ़ाते हैं, रोज़ एडमिशन हो रहे हैं और रोज़ जो है पोर्टल पर चढ़ता रहता है कि हाँ भाई आज मेरे कॉलेज में इतने विद्यार्थी का प्रेजेंटेशन तो नहीं है कि आज ही एडमिशन लेना है, प्रेजेंटेशन सब है कि आज बच्चों ने इतना आया, इतने बच्चों ने एडमिशन लिया, तो वो एक्टिव करते जाते हैं कि हाँ मेरे कॉलेज से आज इतना एडमिशन हुआ। तो जो प्रक्रिया है एडमिशन की वो चल रही है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है मार्क्स को लेकर हो सकता है, दूसरा जो है आपके सर्टिफिकेट को लेकर हो सकता है, तीसरा कास्ट इशू हो सकते हैं, चौथा आपको अन्य प्रकार की जो है कठिनाइयाँ हो सकती है जिसकी वजह से जो है बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। तो आपके लिए सेकेंड शिफ्ट में जो है सीट खाली होने की संभावना तो है और है, सेकेंड लिस्ट में जो है आपके जो है गवर्नमेंट कॉलेज का सीट जो है खाली होंगे, ये बात तो कन्फर्म है। रही बात कि उसमें कटअप जो है कितना जाएगा, ये बात सेकेंड में सबको चांस मिलेगा, जो बच्चे स्लाइड अप कर रहे हैं उनको भी चांस मिलेगा और जो बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको भी चांस मिलेगा। तो रही बात जो कि सेकेंड लिस्ट में जो है कितना नंबर जो है कम हो जाएगा कटअप में, जैसे सब कॉलेज का कटअप मालूम है, आप सभी लोगों ने 30-30 कॉलेज लिया है, किसी ने 10 लिया है, आप सभी लोगों को मालूम है, सभी लोगों ने सभी कॉलेज का कटअप देख लिया होगा कि हाँ भाई कहाँ का कॉलेज कटअप कम गया है, कहाँ ज़्यादा गया है। तो अभी मैं बता दूं कि मे बी आपको आज या कल जो है एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप कॉलेज को इधर उधर कर सकते हैं, ये भी बात है। रही बात सेकेंड लिस्ट में जो कटअप होंगे वह कितना कम होंगे, तो एनालिसिस किया गया है जिसमें जो है आर्ट्स और साइंस वाले दोनों के लिए किया गया है, जिसमें जो आपके जो है आर्ट्स से लेकर मतलब 8 नंबर से लेकर 12 या 15 नंबर तक का जो है इजाफा नहीं बल्कि कम ही आएगी, समझ गए मेरी बात को। मतलब जो आपके कटअप अभी निकले हुए हैं, अभी सभी मालूम है कि साइंस कॉलेज का कहीं कहीं जो है साइंस का है 230 नंबर कटअप गया है, कहीं पर 196 ही गया है। तो क्या है कि उसी के अनुसार जहाँ पर ज़्यादा कटअप गए हैं वहाँ पर जो है 10 से 15 नंबर जो है कटअप कम होने के आसार है और जहाँ कटअप कम है वहाँ पर जो है
5 से लेकर 10 नंबर कम होने की आसार है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सेकंड लिस्ट जब आएंगे उसमें जिस कॉलेज में कटअप जो है कम गए हैं वहाँ पर जो है आपके 5 से 10 नंबर कटअप जो है कम हो जाएंगे, बाकी जो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर जो है 10 से 15 नंबर आपके कटअप कम होने का पूरा पूरा आसार है। तो जिन बच्चों का कटअप से जो है 10-15 नंबर कम है उनको पूरा पूरा चांस है कि सेकंड लिस्ट में जो है उनको कॉलेज मिल सकता है। तो जिन विद्यार्थियों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है उनको फर्स्ट लिस्ट में, तो वो जिनका कम जो है वो कटअप, ऐसे मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को क्या है कि 2-3 नंबर से कटअप छूट रहा है, तो क्या है कि सेकेंड लिस्ट में जो है उनका चांस बन रहा है, क्योंकि जिस कॉलेज का कटअप जो है कम है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कम होंगे, जहाँ कम है वहाँ कम होंगे, लेकिन ऐसा भी रेयर केस में देखने को मिला है कि किसी बच्चे को कटअप से ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है कम कोई कॉलेज नहीं मिला है। तो ये जो है बोर्ड की गलती है, सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है और ये कन्फर्म है कि आपके सेकेंड लिस्ट जब आएंगे उसमें नंबर जो है आपके कम होंगे, क्योंकि सेकेंड लिस्ट का कहने का अर्थ है कि कटअप से कम नंबर वाले को उठाएंगे, तो कटअप को घटाएंगे वो फिर से आपका सेकेंड कटअप आएगा, तो यही कटअप आपके रहने वाले हैं। 10-15 नंबर जो है आपके कम होने वाले हैं सेकेंड लिस्ट में, तो जिन विद्यार्थियों को 10-15 नंबर कम है कटअप से उनको चांस बन रहा है उनका सेकंड लिस्ट में आने के लिए, साथ ही साथ स्लाइड अप वाले बच्चों को भी चांस बन रहा है। तो आप सभी लोग धैर्य बना के रहें, सेकंड लिस्ट आएंगे सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, तो आप सभी लोग धैर्य बना के रहें, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 10-15 नंबर का जो है कमी आने वाला है कटअप में, जहां पर कम है वहां पर कम आएंगे, लेकिन जहां ज़्यादा है वहां पर 10-15 नहीं तो 5-10 नंबर के कटअप आपको कम आएंगे, ये कन्फर्म है। समझ गए मेरी बात को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।